दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम है और मेरे पास ये मेरे बेटे का छोटा बैट है, इससे ही मैंने ड्रिल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ड्रिल को पसंद करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला, फुटवर्क को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, दूसरा फुटवर्क ड्रिल्स, तीसरा फिटनेस ड्रिल्स। तो अगर आपको बैटिंग में फुटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, फुटवर्क क्या है, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि फुटवर्क किन चीजों से प्रभावित होता है। फुटवर्क को मेनली तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है फिटनेस। आइए फिजियोलॉजिकल फैक्टर को समझते हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से किसी भी गर्म या नुकीली चीज के संपर्क में आते ही हम अपना हाथ या पैर तुरंत हटा लेते हैं। हमारे हाथ या पैर के सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करता है कि आपका हाथ या पैर किसी बहुत गर्म चीज के पास है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क को और पुनः मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हाथ को यह मैसेज भेजता है और हम तत्काल हाथ हटा लेते हैं। यही हमारा रिएक्शन टाइम या रिफ्लेक्सेस होता है। आइए क्रिकेट में इसका उदाहरण देखें। जैसे ही हम बॉल देखते हैं, हमारे ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब आने वाले बॉल को मार्क करता है और इसकी जानकारी हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब को भेजता है, जो यह डिसाइड करता है कि आने वाले बॉल के साथ क्या करना है। और वहां से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है कि इस बॉल को कैसे खेलना है, और स्पाइनल कॉर्ड वहां से पैरों और हाथों को मैसेज भेजता है। फुटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपके ब्रेन ने बॉल की स्पीड, फ्लाइट और लाइन जज करने में जरा भी गलती की तो आपका फुटवर्क गलत हो जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ बैटिंग। बैटिंग में फुटवर्क आपके बैटिंग के प्रति सोच और आपकी मानसिकता पर भी बहुत निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर हम ग्रेट बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ सर को लेते हैं। सहवाग आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सचिन बैलेंस और टाइमिंग, और राहुल द्रविड़ फुटवर्क के साथ क्लोज टू द बॉल जाके खेलने पर जोर देते हैं, और वह उनके फुटवर्क से पता भी चलता है। फुटवर्क ड्रिल्स। आइए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फुटवर्क ड्रिल्स। बैटिंग में फुटवर्क अलग अलग स्ट्रोक के लिए अलग अलग तरह का होता है। यह फुटवर्क आपको बॉल खेलने की सबसे सही पोजीशन में लाने का काम करता है। तो आइए फुटवर्क डेवलप करने हेतु ड्रिल्स की शुरुआत करें। एक अच्छा वार्मअप न केवल आपके बॉडी को खेल के लिए तैयार करता है, बल्कि आपको खेल के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करता है। वार्मअप आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, जिससे आपके बॉडी पार्ट का रेंज बढ़ जाता है। आइए समझते हैं ड्रिल्स को। ड्रिल से पहले और वार्म अप के बाद थोड़ा स्किपिंग आपके पैरों को एक्टिव कर देता है, तो यह जरूर करें। फुटवर्क काफी हद तक आपके स्टांस पर भी निर्भर करता है। इसके लिए अच्छा यह होता है कि आप एक अच्छा स्टांस ले। अगर आप स्टांस को समझना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर हमारा यह वीडियो अवश्य देखें। अब बढ़ते हैं ड्रिल की ओर। पहले ड्रिल में हम स्टांस की पोजीशन में खड़े होकर हल्के जंप के साथ पैरों को तेजी से साइडवेज ड्रैग करेंगे। दूसरे ड्रिल में आप स्टांस में खड़े होकर दोनों पैरों से एक साथ साइडवेज जंप करेंगे। तीसरे ड्रिल में हम स्टांस में खड़े होने के बाद फ्रंट फुट बाहर निकालेंगे और फ्रंट फुट पर पूरा वजन डालने के बाद बैक फुट उठा लेंगे, फिर वापस स्टांस पर चले जाएंगे। ध्यान रहे, यह ड्रिल हमें तेजी से करना है। स्टेशनरी बॉल के साथ हम ड्राइव, डिफेंस, स्वीप, स्लॉग स्वीप,
इनसाइड आउट, डिल स्कूप और रिवर्स स्वीप आदि के लिए फुटवर्क ड्रिल करेंगे। इस ड्रिल का उपयोग आप ग्राउंड में स्टेप आउट फुटवर्क प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। ड्रिल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीच। पैरों और बॉडी के रीच को बढ़ाने के लिए वीडियो में बताए गए डायग्राम का उपयोग करेंगे। प्लेयर बीच लाइन में खड़ा होगा और फर्स्ट लाइन में पहुंचकर अंतिम लाइन को छुएगा और 10 सेकंड स्टे करेगा। इसी तरह दोनों ओर करेंगे। दूसरे ड्रिल में भी उसी तरह भागेंगे पर बॉडी पोजीशन साइडवेज होगी। चलो तीसरे ड्रिल में 18 फीट की लंबी लाइन के बीच में एक खिलाड़ी खड़ा होगा और दोनों ओर अंतिम छोर पर भी एक एक खिलाड़ी खड़ा होगा। अंतिम लाइन से पहले तकरीबन 2 फीट पहले एक कोन होगा, वहां रुककर वह साथी खिलाड़ी को झुककर छूने का प्रयास करेगा। यह ड्रिल पैड पहनकर किया जाए तो और बेहतर होगा। लैडर, हर्डल और रेजिस्टेंस बैंड के साथ कुछ महत्वपूर्ण ड्रिल भी आप कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपके लोअर लिम्स के साथ साथ पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। आप रेजिस्टेंस बैंड से अपने पैरों को एक्टिव और उसमें स्ट्रेंथ लाने का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस बैंड से आप स्क्वाट बैंड करें, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग के लिए बैंड डेडलिफ्ट, वहीं बैंड लंजेस का उपयोग आप अपने पूरे पैर के एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं। बैंड ग्लूट ब्रिज, बैंड ग्लूट ब्रिज आपके ग्लूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। साथ ही साथ आप काफ रेज एक्सरसाइज भी अपने काफ्स के लिए कर सकते हैं। यह सभी एक्सरसाइज आपके लोअर लिम्स और आपके पैरों के लिए बेहतर माना जाता है। कुछ अन्य एक्सरसाइज भी आपके पैरों के मूवमेंट को तेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। रेजिस्टेंस बैंड लेग वर्कआउट के दौरान आप प्रत्येक एक्सरसाइज का 3 सेट 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे। ध्यान रखें प्रत्येक सेट और एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक जरूर रखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक फुटवर्क के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है। कमेंट करके बताएं कि वह क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।